हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तबे पूर्व वीडियो रे बहुत सारा भल पाइबा मते मिलतला। तबे आजिर वीडियो करिया हमर जो हाई स्कूल कांटेक्ट टीचर बा आदर्श विद्यालय रे जो टीजीटी पोस्ट बा अन्य जे कोनो सी टीजीटी साइंस पोस्ट पाइ बाहरले ए वीडियो काम रे आसीबो। तमर जो कंप्लीट सिलेबस रही से सिलेबस वाइज मु वीडियो प्रस्तुत करी नेक्स्ट वीडियो टू गोटाए पर गोटाए मोर सिलेबस वाइज मु कवर करी। तबे आज स्टार्ट करिया वीडियो मार्च 2019 जो इजीटी साइंस पाई एग्जाम होता ऑनलाइन मोड रे हितला तार केमिस्ट्री पर्सन ही डिस्कशन करिया तार क्वेश्चन एवं आंसर डिस्कशन करिया। आसला देख ये फर्स्ट क्वेश्चन, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए स्टेटमेंटा कहार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पाउल इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आउबाउ प्रिंसिपल हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इटा होची पाउल इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, थ्री क्वांटम नंबर्स मे बी आइडेंटिकल फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। जमीती तुम्हारा आसला कौन ना जिते आमर आ जा स्पिन क्वांटम नंबर जदि गोटाए प्लस हाफ आसो तेल आरटा कौन आसो ना माइनस हाफ तेल दुटा भैल्यू केवेहले सेम आसो ना तेणु तार अपसन आसला बी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थियोरी। वार्नर्स थियोरी अनुसार या भितर कौटा करेक्ट अच्छी देखा, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कैन नॉट बी आयनाइज्ड, प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड, सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड। ना आमर अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थियोरी ओनली प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसीटा बुझे था क्या ना आमर कोऑर्डिनेशन नंबर को बुझे था तेणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है केवल आयनाइज हो ना तेना प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, द कलर रिस्टर्सन ऑफ पेंटिंग्स बाय एच टू ओ टू इन द प्रोसेस ऑफ बा म्यूजियम रे जो कलर पेंटिंग तक स्टोर कर रखाई था क्या पर डिपेंड करता है डी ना ऑक्सीडेशन ऑफ लीड सल्फाइड इनटू लीड सल्फेट, ऑप्शन डीटा ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स इनकरेक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, या भितर कौटा इनकरेक्ट अच्छी। फास्ट आगे देखिए लिथियम आसला आमर आसला वन एस टू टू एस वन, बेरिलियम आसला वन एस टू टू एस टू कन्फिगरेसन आम जानचे ये बेरिलियम है कौन ये ना एस रे मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन हुए कंप्लीटली फिल्ड एक अच्छी दुटा इलेक्ट्रॉन अच्छी ए लिथियम वन अच्छी तेणु आयनेसन पोटेनसीयल ये हाएस्ट कार आसपे ना बेरिलियम ये लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम यहाँ इनकरेक्ट फास्टा ही इनकरेक्ट अर्थात करेक्ट आंसर आसला तेल ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, अकॉर्डिंग टू एच एस ए बी थियोरी ए हार्ड एसिड एच एस ए बी अर्थात हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थियोरी कहे एच एस ए बी थियोरी ए हार्ड एसिड टा कौन होता है ना इज नॉट वेरी पोलराइजेबल, कैरेक्टरिस्टिक अनुसार कौन आसला हार्ड एसिडा इज नॉट वेरी पोलराइजेबल अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हाइड्राजाइन आक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, या भितर हाइड्राजाइन टा रिड्यूसिंग एजेंट रूपे कौन रही था गोटे क्लेमेनसन रिडक्शन
बर्च रिडक्शन, ओल्फ किस्न रिडक्शन, मिरोइन पिफंट वर्ले रिडक्शन या भितर ओल्फ किस्न रिडक्शन टा ही करेक्ट आंसर है। कारण ये हाइड्राजाइन सहित रिएक्शन करी कौन होता है ना अल्डिहाइडटा अल्केन को कन्वर्ट होता है। तेनाली ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सह द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज बिकॉज ऑफ इट्स वी नो दैट द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज परमानेंट एवं जोटा भी परमानेंट होता है सेटा ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर पर होता है जोटा टेम्पोरारी सब मन रखा हूँ रिडक्शन जेहेतु यहाँ परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग नेचर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आसवा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजेंस इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहा हमारा फ्लोरीन तले रहा क्लोरीन तले ब्रोमीन तले रोच ना आयोडीन हो तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टा कौन है ना तल आड़ को गले आस्ते आस्ते कौन है ये ना डिक्रीज करें तेना हाएस्ट हवा कथा फ्लोरीन किंतु जेहेतु तार सैजटा भेरी स्मल बा कंपाक्ट सैज हाएस्ट आसो कार ना क्लोरीन आसो अर्थात एक नंबर तापर दुई आसो फ्लोरीन तीन आसला ब्रोमीन चार आसला आयोडीन अर्थात या भितर तले करेक्ट अर्डर कौटा आसला ना फ्लोरीनटा लेस देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक साइज तो यदि लेफ्ट टू राइट को जीवा एटॉमिक साइज टा कौन होता है ना डिक्रीज करें ड्यू टू इनक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अर्थात ऑप्शन ए टा ही करेक्ट आंसर। कारण जितने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ से कौन करना सेम सेल इलेक्ट्रॉन एड हो तेनाली तो बेसी अट्रैक्शन कर अट्रैक्शन कले साइज कौन हो डिक्रीज कर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 द फुल फॉर्म ऑफ वीएसपीआर थियरी इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एनायंस एंड कैटायंस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिफ्रैक्टिव थियरी ना एक्चुअली रिफ्रैक्टिव नुहे रिपल्सन थियरी बुलेला वीएसपीआर थियरी क्लियरली एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स इन देयर शेप्स ना ये केवल ट्रांजिशन नुहे समस्त देखे था ये बुलेला तेणु करेक्ट ऑप्शन आसो ये ऑप्शन आई इज फॉल्स डबल आई इज फॉल्स अर्थात ऑप्शन बी टा ही करेक्ट आंसर। दुटा जाक फल्स अच्छी स्टेटमेंट जाक। नेक्स्ट जीवा 121 क्वेश्चन नंबर आसला एलाइल लिथियम ऑन रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस देखा एलाइल लिथियम आसला तले ना सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू एल आई या सहित कौन बड़ी ना इथाइल अल्कोहल एच ओ सी एच टू सी एच थ्री कौन हम ना हाइड्रोजेनटा डिपड़े आसला सी एच थ्री अर्थात सी एच टू डबल बंड सी एच सी एच थ्री कौन सी ना प्रोपीन अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंडिंग इंट्रामोलिकुलर मीन्स सेम मलिकुल भितर कि गोटाए मलिकुल दुटा मलिकुल भितर नुह तेनालीसला गोटे आसला सालिसाल्डिहाइड है कौन ना ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड ऑर्थो पोजिशन रहा सी डबल बंड रहा एच सी एच रहा बर्तन ये अक्सीजेन आउ हाइड्रोजेन भितर कौन है ना हाइड्रोजन बंडिंग अर्थात एटा इंट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बंडिंग देखुची कौथे तले ना ऑप्शन ए पलै आसला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बा सालिसाल्डिहाइड रे देखे था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंडिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर एच टू ओ टू हाइड्रोजन पेरक्साइड पाई कोटा या भी इनकरेक्ट इट कैन रिड्यूस ओजोन टू ऑक्सीजन करेक्ट अच्छी इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर ये मध्य करेक्ट अच्छी इट इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेंट इन एसिडिक मीडियम देन इन अल्काली मीडियम इटा इनकरेक्ट तेणु ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 124 सिलेक्ट द करेक्ट IUPAC बाय इफेक्ट नोमेनक्लेचर फॉर द कंपाउंड्स गिवन बिलो आसला नंबरिंग आसला फास्ट तेल देखिए एपटे डबल बंड एपटे ट्रिपल अर्थात एपटे आसला वन टू ये आसला थ्री फोर फाइव सिक्स अर्थात थ्री फोर डाइप्रोपाइल थ्री फोर डाइप्रोपाइल कौटी अच्छे देखिए थ्री फोर डाइप्रोपाइल तो ऑप्शन डी रे ही अच्छी आउट नाई तापर वन आउ थ्री अच्छे डबल बंड वन थ्री हेक्सन डाइएन फाइव पाखे ट्रिपल बंड वाइएन अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी टा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल इन द कॉम्प्लेक्स आयन Ni(X4)2- इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो एंड एक्स इज मोनोडेंटेड आयनिक लिगैंड तले डी कोहाइब्रिडाइजेशन करियो डी निकेल आसला देखिया डी कौ स्टेट रहा डी ना मोनोडेंटेड ने तले टू माइनस ये माइनस फोर तले के आस देख ना एक्स इक्वल टू तले ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर करिया के माइनस टू प्लस फोर अर्थात प्लस टू तो Ni टू प्लस हेले निकेल रहा कौन फोर एस फोर आसला के डी ना थ्री डी रहा डी तेल थ्री डी रहा कतेटा इलेक्ट्रोन डी ना थ्री डी रहा एट इलेक्ट्रोन तेल फास्ट रहा कतेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट एवं ए इलेक्ट्रोनटा टी कहे डीटा गोटे भैकेट हैपर आस फोर एस फोर पी अर्थात चारिटा अच्छी बंड कर निकेल सहित तो चार्टा एक्स अच्छी तेल गोटे रहा कौन ना डी ऑर्बिटल गोटाए एस गोटाए पी तीन टा अर्थात डीएसपी टू डी रे पी रे दीटा डीएसपी टू अर्थात डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन हम ये। नेक्स्ट जीवा आस 126 हाइड्रोक्सिल आमीन ऑन रिएक्शन विथ साइक्लोहेक्सानन प्रोड्यूस ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एच टू एस ओफर इज बी व्हाट इज बी एंड नेम द रिएक्शन ऑन द कन्वर्सन ए टू बी रेस्पेक्टिवली द हाइड्रोक्सिल आमीन सहित जो साइक्लोहेक्सानन रिएक्शन करता कौन होता है ना कैप्रोलाक्टम होता है जोटा कि नाइलन सिक्स रहा हूँ मोनोमर एवं यहाँ बेकमैन रीअरेंजमेंट अर्थात करेक्ट आंसर आसो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑनेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट एक्स आर दे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए पोटेंशियल वैल्यू अनुसार यहाँ हूँ कह ना ग्रुप डबल आई ए एलिमेंटर भैल्यूटा रोचे ये मन रखापी पड़ो। नेक्स्ट आसला 128 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसी स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस फिनॉल्स इज ये आसो ऑर्डरटा आसला कौन ना पारानाइट्रो फिनॉल ग्रेटर देन फिनॉल ग्रेटर देन कैसल अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तार एसीडिंग बाके वैल्यू अनुसार यहाँ आसी। नेक्स्ट जीवा द कन्वर्सन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड इन प्रेजेन्स ऑफ NaOH एंड CO2 इज ताकि देख कन्वर्सन ऑफ कौन फिनॉलटा सैलिसिलिक एसिड को आसो क्या प्रेजेन्स ना सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एटा कार ना कॉल स्मिथ रिएक्शन नहीं होता है तेनाली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसीटीटी ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड इज एटा कौन आस देख ना फ्लोरीन क्लोरीन तापर ब्रोमीन अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आसला। एतक गला आमर 20 क्वेश्चन आंसर एति आसला। तबे नेक्स्ट वीडियो टू ओ तोर सिलेबस वाइज मूल रु स्टार्ट करी। तो जो माने भी मोर चैनल को सब्सक्राइब करी नथिबे सब्सक्राइब कर दियंतु दले एवं नोटिफिकेशन बेल्ट को मध्य क्लिक कर दियंतु दले नोटिफिकेशन पहुँचिबो। एवं तोर जो आग को जो एग्जाम अछि हाई स्कूल कांटेक्ट टीचर पई जो इंटरव्यू रहइबो सेतरे निश्चित भाबरे सहायक हबो। थैंक यू।